नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनबाड़ी बहनों का मेरे इस YouTube चैनल में। मैं रितेश कुमार। तो आज की इस वीडियो में आपको टीकाकरण से संबंधित सारी जानकारी आपको कंप्लीट मिलने वाली है, और ये भी जानकारी आपको मिलने वाली है कि कितने वर्ष से लेकर कितने वर्ष तक के बच्चों को कौन सा टीका दिया जाता है, और पोषण ट्रैकर ऐप में आपको इस टीकाकरण का रिकॉर्ड कैसे भरते हैं, आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। कि आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे चैनल पर आप लोग अगर नए आए हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले आप लोग अपना पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर 0 से 6 महीने के बच्चे की लिस्ट है, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे जितने भी आपके केंद्र में 0 से 6 महीने के बच्चे हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। आने के बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट पे जाना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे टीकाकरण का नाम शो करेगा, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जिस भी बच्चे का टीकाकरण का एंट्री करेंगे उसका यहाँ पर पूरा डिटेल्स खुल जाएगा कि कौन सा टीका 0 से 6 महीने के बच्चे को पड़ता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि 0 से 6 महीने के बच्चे में आपको जन्म के समय 3 डोज दिए जाते हैं, जैसे कि पहला डोज OPV जन्म डोज, और हेपेटाइटिस बी और BCG। ये 3 टीके जन्म के समय ही दे दिए जाते हैं उस बच्चे को। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपली आप लोग जन्म डोज में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे टीकाकरण की तिथि में जब बच्चे का जन्म हुआ है, आप लोगों ने जब बच्चे का जन्म का तारीख डाला है उसी तारीख को आप लोग इसमें सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके सबमिट कर देंगे तो यहाँ पे आपका सबमिट हो जाएगा। उसी प्रकार हेपेटाइटिस बी में भी आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और टीकाकरण की तिथि को एंटर कर देंगे। फिर उसी प्रकार आप लोग BCG में भी टीकाकरण की तिथि को डाल के सबमिट कर देंगे। एक बात और आप लोग यहाँ पे नोटिस कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चा अगर हॉस्पिटल में जन्म लेता है तो आप लोग वहाँ पे बच्चे की जन्म की तारीख डाल देंगे, और अगर बच्चा घर पे जन्म लेता है तो आप लोग यही जन्म डोज और हेपेटाइटिस बी और BCG ये तीनों टीके आप आंगनबाड़ी केंद्र पर जब भी डलवाएंगी तो आप लोग आंगनबाड़ी केंद्र की तिथि डालेंगे जिस दिन बच्चे का डोज दिया जाएगा, तो यहाँ पे उसी दिन का आप लोग तिथि डाल के सबमिट कर दीजिएगा। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर है, चलिए अब आगे समझ लेते हैं। उसके बाद बच्चा जब 1.5 माह का हो जाता है तो उस बच्चे को 5 टीके दिए जाते हैं, और वो 5 टीके हैं OPV1, IPV, रोटा वायरस, उसके बाद पेंटावायलेंट, और जो लास्ट टीका है PCV। तो PCV का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप लोग 4 ही टीके का एंट्री करेंगे। यहाँ से उस पर जाएंगे और सेलेक्ट करेंगे और टीके का तारीख डाल देंगे, सिर्फ यहाँ पे तारीख डाल के और सबमिट कर देंगे तो आपका यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 2.5 माह पे कौन कौन से टीके पड़ते हैं उसका डिटेल्स यहाँ पे समझ लेते हैं। तो 2.5 माह पे फिर से आपको बता दूँ यहाँ पे कि OPV2 दिया जाएगा, उसके बाद पेंटावायलेंट 2, और उसके बाद रोटा वायरस। ये 3 टीके आपको 2.5 माह पे दिया जाता है। तो तीनों टीके जब पड़ेंगे आपको उस दिन उस तारीख को यहाँ पे डाल के सबमिट कर देना है। और फिर आगे बात कर लेते हैं 3.5 माह पे कौन कौन से टीके दिए जाते हैं। तो 3.5 माह, उसके बाद IPV, फिर तीसरा टीका हो गया आपका पेंटावायलेंट 3, और चौथा टीका हो गया रोटा वायरस जो कि ऊपर में है,
और पांचवा टीका है पीसीबी, तो पीसीबी का भी इसमें ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसमें भी आप लोग चार ही डिटेल्स को एंट्री करेंगे। बाद आपको जब बच्चा 9 माह में प्रवेश कर जाएगा उसके बाद आपको ही उसके बाद ही टीके दिए जाते हैं। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊँगा कि 6 माह से लेकर 3 साल के बच्चे का टीकाकरण किस प्रकार से करना है और कौन से टीके दिए जाएंगे। तो मैंने आप सभी को टीकाकरण से संबंधित जानकारी आपको इस वीडियो में बताया। आपको ये जानकारी कैसा लगा कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।